देखो श्रेया भाई आज पूरी पतंग लग रही है एकदम, पतंग मन कर रहा उड़ा दूं। अरे इतना क्यूट लगो भी तू, शायद सारे बच्चे क्यूट ही होते। नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव के बारे में क्या कहना है आपका? सुबह भी आर मेकिंग सत्तू का पराठा। हाँ सत्तू के पराठे में सबसे पहले चाहिए आपको सत्तू। जाहिर सी बात है श्रेया, बेसिक्स मत बताया करो प्लीज। सत्तू के बाद आपको चाहिए अचार का तेल। अच्छा इसीलिए आप नहीं फेंक रहे इतने दिन से? ये अचार का मसाला और तेल, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इन्ग्रीडियंट है। फिर इसमें मैंने डाला थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ा डाला खास करके थोड़ा थूक अचार डाल दिया। हाँ अचार डाल दिया ना, सरसों का और थोड़ा सा नमक। अब हम डालेंगे इसमें कच्चा लहसुन। फिर ये लहसुन जो है इसको हम ऐसे ग्रेट करके इसमें डालेंगे, इससे बहुत अच्छा एक टेस्ट आता है मस्त वाला। देना लहसुन, लो लहसुन, लहसुन थोड़ा और डाल रहे हैं। लहसुन नहीं होता लहसुन होता है एक तो। लहसुन आगे बताओ, जनता के पास टाइम नहीं है इतना वेस्ट कर रहे हो बैठ के। ठीक है वो भी एडिटिंग बोल के एक चीज होती है ना, मैं एडिट कर दूंगी ना, जनता के पास टाइम नहीं है तो इसीलिए तो मैं बैठी हूं यहां पे एडिट करने के लिए। ये लो प्याज डाल दिया आपने इसमें, एकदम वो वाला शॉट आ रहा है, वो वाला शॉट आ रहा है जैसे वो नहीं होता। बहुत अमेजिंग लगता है सत्तू का पराठा, फुल ऑफ प्रोटीन, फुल ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा फुल ऑफ आटा। और मैंने एक भी न्यूट्रिशनिस्ट को नहीं देखा, ये बोलते कि सत्तू का पराठा प्रोटीन में, जिम के बाद सत्तू का पराठा खाया जाए। हां वो भी एटलीस्ट आलू के पराठे से तो बेटर ही है ना। और आप तेल अच्छा वाला यूज करो, एवोकाडो ऑयल यूज करो। तो हर जगह तो शिरा चिपकाती है ना एवोकाडो ऑयल। कौन है इंग्रेडिएंट तो गाइस मैं भूल ही गई क्या इसमें? ये डलता काला जीरा, ये वाला कलौंजी बोलते हैं कोई, बस अब हो गया। अब इसको डालो पराठे में और मस्त खाओ। तो फाइनली सत्तू पराठा इज रेडी करारा से। दही के दही नहीं चाहिए? अच्छा आप चाय के साथ ले रहे हो ना, इज इट गुड? लगता नहीं रहा शक्ल से। बस एक चीज है पता है, सत्तू है ना वो अगर बिहार का तो ज्यादा अच्छा, मतलब बिहारी सत्तू में थोड़ा अलग कुछ होता है, ये नॉर्मल वाला है रोस्टेड चने का सत्तू। बाकी आप ऑनलाइन खरीदो तो वो टेस्ट नहीं आता पता, मैं लेकर आई थी भागलपुर से बहुत अच्छा। खाते पीते रोते रहो, एक काम करो पराठा वाई बट उनको देख के मोटिवेशन आ रहा है क्या? नहीं वो भी तो दीपक सर से मोटिवेट होते पहले से, तीन साल पहले लगाते थे। क्या चैलेंज? नहीं पीने का चैलेंज, 50 हार्ड डे। 50 हार्ड में नहीं पीना भी तो होता है, 50 नहीं 75 हार्ड होता है वैसे। 75 क्या? तो हमारी मर्जी 75 हार्ड चैनल ही तो है उसका। अब तो क्या किसके खेल? राम राम सरे ने। अच्छा उसका वो चैलेंज जीते 75 हार्ड, मतलब 75 दिन एक पर्टिकुलर रूटीन फॉलो करना। अच्छा ये उसका नो अल्कोहल, रीडिंग समथिंग एवरी डे फॉर 75 डेज, टू वर्कआउट्स आउट ऑफ व्हिच वन वर्कआउट शुड बी आउटसाइड एटलीस्ट 45 मिनट्स। दीपक सर हमारे ट्रेनर है 3-4 साल से, वो ब्लॉग के माध्यम से दीपक का प्रमोट। आपका नंबर दे दें हमें सोशल मीडिया पे, हमने बोलते रहते इंस्टा बनाओ इंस्टा, कह रहे बनाऊंगा आता ही नहीं इंस्टा कैसे चलाएंगे नहीं दीपक आप इंस्टा पे आओ, बहुत तगड़े हैं एकदम एक्सरसाइज में। अभी खुद हमें एक्सरसाइज कराने के लिए 3 किलोमीटर खुद भाग कर आए ये ओ माय गॉड ऐसे बर्थडे से नहीं गिरना होता। आज मेरी कमर पे आ गई, कुछ नहीं है कमर पे, वही बात है ना बस। Hey guys, welcome to the same vlog. देखो श्रेया भाई आज पूरी पतंग लग रही है एकदम, पतंग मन कर रहा उड़ा दूं। ये लड़का आज राखी है, बोल रहा रात के सोने का इंतजाम करके जा रहा, पागल हो गया क्या तू? When you focus on yourself, you will lot of people will leave you, you know. This is focusing on yourself. Yes. Okay. Tonight I want to come back home and I want to look at this bed so that I feel sleepy and not this light, okay? This light ये purpose से लगाई गई है अभी yellow light, इसको इज्जत दिया करो, इससे नींद आती है, ठीक है? दोस्तों एक तरफ मैं हूँ जो कि ये ध्यान रख रहा है कि रात को इंसान को सोना है वो, और एक तरफ ये है देखो और निकल गई है यहाँ से बिना लाइट ऑफ करे, रात तक आपको पता है कितना बिल बन सकता है, जस्ट लेटिंग यू नो। ओके हेलो एसी भी चल रहा है, तो ये भी आप ही ने चलाया था, तो जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ बिकॉज व्हेन यू डोंट फोकस ऑन योर सेल्फ देन इट इज एन इशू। ओके आई थिंक मैंने ही उसे स्विच ऑफ करा है क्योंकि मेरे में थोड़ा तमीज है। विकासपुरी आए हैं और नोनी ने ये दिया है क्या? दिसंबर की फुल स्वेटर दिला दो, ये हाफ में बेचते थे मुझे
बेटा अभी क्या जरूरत है, अभी तो ठीक ही मौसम है। मेरे को याद है मैं बोलता था मुझे स्वेटर मुझे कोट दिलाओ ठंड लग रही है, कह रहे 400 रुपए का कोट क्या लेना, एक महीने की तो सर्दी बची है बस, हाफ स्वेटर में मुझे भेजते तनखा पापा की 4400 कोट थोड़ा दिलाएंगे। मम्मी देखिए क्या बोल रहे हैं गौरव, जा रहा हूँ सर्दी में, मेरे को याद है ना, मेरे को बोलता था काला ठंड लग रहा है, कहते स्वेटर नहीं कोट के लिए बोले थे, स्वेटर तो दिलाना कहते कहते क्या लगा क्या लगा देखने में, मैंने ऐसे क्लियर नहीं दिख रहा उसको, मैं ऐसे ज़ूम कर मेरा ओ सॉरी इधर गिन्नी देखो कितना पतला तरफ देख लो, उस दिन दारू पी के पड़ा हुआ था छत पे 15 अगस्त में दारू पी के छत पे पड़ा हुआ है। अरे इतना क्यूट था वो भी, तू शायद सारे बच्चे क्यूट ही होते हैं। ये तो फिर भी चलो सही लग रहा है, ये होगी आज से 20 साल बाद वायरल, जब नोनू कुछ कांड करेगा उसका नाम आएगा कृतिक नहीं, इसका नाम मोहम्मद कय्याम है। मैं दाद देना चाहता हूँ, इस लड़के ने मेहनत कर करके अपनी शक्ल वगल सब सुधार ली, वरना ये देख लो ये इसमें देख के लग रहा है ये अभी 10 साल पुरानी फोटो है, इसमें देख के लग रहा है ये सड़क पर टायर चलाता है पता है। प्रतीक देखो हैकर पापा है, हाँ ये पापा और ये नो नो नहीं है ना, ये देखो ये वॉशिंग मशीन पैक बनवाए देखो एक नमूना निकला है ये तो चलो ठीक है, ये दिखाओ लार गिरा रहा था पाबलो को देखो बीच में, एक बार रोनू कैसे कराएंगे मेरे भी सिखा दे। नहीं फोन से मौत से कनेक्ट हो जाता है और क्या। रोनू से पाब्लो चेक भैया मीर सर पे हाथ रख, इन्होंने स्नैपचैट का प्रीमियम लिया हुआ है। एक तो मैंने देखा जो सामान मेरे हमारी अलमारी में नहीं मिलता वो नोनू के शरीर पे मिलता थोड़े दिन बाद। ठीक है चले बुआ का भी लगा दो, मम्मी का बुआ की यहाँ चिंता, दोस्तों दिवाली बन सॉरी राखी से फेस्टिवल की स्टार्ट हो चुकी है, तान्या निखिल को राखी बांधते हुए वन ऑफ दोस मोमेंट्स इन वन ईयर जब इनके बीच में प्यार होता है भाई बहन में, वरना तो कलेश ही रहता है काफी। लड़ते हैं ये लोग? नहीं, नहीं, नहीं लड़ते, बात ही नहीं करते। नहीं, 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 ये बहुत स्नैप ले ले स्नैप ले ले पेड सब्सक्रिप्शन वाला स्नैप है भाई, इधर आप उधर दिखा रहे थे कितनी मस्त बुक कलेक्शन है। हां देखो मैं देख लिया मैं बहुत अच्छा दो क्या व्हाट गोस इनसाइड द माइंड ऑफ एडॉल्फ हिटलर, कहां गया वो? अच्छा ये अच्छा था, हां मुझे बड़ा एक वो लगता है इसमें एनिग्मा ज्यादा क्या रीडर यार 1977 तो वाह यार, तब तो मेरे पापा भी दिल्ली नहीं आए थे, बनारस में ही थे, मोदी का जन्म नहीं हुआ था तब बेटी वेरोनिका। 10/6/77 ये आर्चीज क्या होता है, ये मैंने सुना है इसका नाम, ये ना मूवी आ रही है, मूवी आ रही है, हां डाइवर्स है बुक कलेक्शन, आर्चीज भी है और बेताल 25 भी थी, बेताल 25 सब किताब भाई इनके घर में बहुत किताबें है पता है, इसलिए तो मुम्मू दिलो को काफी अच्छी मतलब मुझे भी थोड़ी बहुत जो पढ़ने की आदत लगी इन लोग से लगी हैं। I think they read a lot of books. हमारे में तो जहाँ इतनी किताबें इकट्ठी हो जाती है हमें लगता था जल्दी कबाड़ी में तो पैसा आएगा। इवन प्रभात ये खलील जिब्रान की कौन सी कहानी होती थी? अच्छा हाँ दो। नहीं वो भी ठीक है, ओ हेनरी, अच्छा ये वाली ये ओ हेनरी, ओ हेनरी की आई थिंक हमारे ICSE में एक होता था वो जो गाना नहीं था, तो नहीं ICSE के स्टूडेंट मैं हूँ गोभी, उसके लिए गिफ्ट ऑफ मजा है ओ हेनरी था वो, कि वो अपनी बीवी के लिए उसकी बीवी का बहुत लंबा बाल होता है तो वो एक शेल का क्लिच वो गाय दी मुफासा की
नहीं नहीं आई थिंक जो उस पे गाना भी बना है और आहिस्ता ओएनरी का गाना बना और आहिस्ता की जी बात है अरे हाँ पे है वो द लास्ट लीफ ओएनरी की है अच्छा हाँ 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 ये गायत्री मोमपासा है हाँ वो अपने मोटरसाइकिल बेचता है उसके लिए वो क्लिप लाने के लिए और उसने बाल अपना बाल दे जाती है वो नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव के बारे में क्या कहना है आपका फिर से आ गया शहर में नागराज का राज Okay guys, so that was the end of today's vlog. I hope you liked the vlog. If you liked the vlog, then do subscribe to the channel. Next vlog is going to be out very soon because it is already ready. But we'll be releasing it in one or two days. Thank you.